हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फिर से वीडियो में आपका स्वागत है। टीवीएस मोटर कंपनी नए वाहनों के विकास और लॉन्च के मामले में सबसे आक्रामक दो पहिया निर्माताओं में से एक है। G300 प्लेटफॉर्म के लिए BMW मोटर के साथ साझेदारी से लेकर 2022 में नई iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर और रॉनिन बाइक को लॉन्च करने तक TVS आक्रामक रणनीति के साथ चल रही है। वहीं TVS हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले स्कूटर पर काम कर रही है। हाल ही में TVS के नए स्कूटर के पेटेंट की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दो सिलेंडर जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। वहीं रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये सिलेंडर हाइड्रोजन के हो सकते हैं। इसके अलावा स्कूटर के फुट बोर्ड में एक बैटरी के होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये फ्यूल सेल स्कूटर का मॉड्यूल है, जिसमें हाइड्रोजन सिलेंडर और बैटरी लगी है। वहीं तस्वीरों से पता चलता है कि स्कूटर के पिछले पहिए में हब इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिसे फ्यूल सेल से तैयार की गई बिजली से ऊर्जा मिलेगी। बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन सिलेंडर को भरने के लिए फ्यूल कैप या सिलेंडर को निकालने के लिए जगह दी गई है। वहीं फ्यूल सिलेंडर पाइपलाइन के जरिए कन्वर्टर से जुड़ा है, जहां हाइड्रोजन से बिजली तैयार होती है। वहीं फिलहाल TVS मोटर ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी स्कूटर लॉन्च करने के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन पेटेंट से तस्वीरें साफ हो गई हैं कि कंपनी भविष्य में कभी न कभी ये स्कूटर लॉन्च कर सकती है। मौजूदा समय में कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रेंज में iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री कर रही है। यह स्कूटर 4.4 किलोवाट आवर की क्षमता का लिथियम आयन बैटरी के साथ पेश किया गया है। अपने पुराने मॉडल में यह स्कूटर केवल 2.2 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता था। वहीं बड़ी बैटरी होने के साथ चलते iQube की रेंज में इजाफा हुआ है। जहां यह पहले 75 किलोमीटर की रेंज देता था, वहीं अब नए iQube 140 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो TVS के द्वारा उठाया गया कदम काफ़ी बड़ा कदम हो सकता है। अगर अभी तो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो भी रहा है, पर अभी हकीकत तो उन्होंने खुद भी खुलासा नहीं किया कि ऐसा कुछ आएगा भी। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया का और TVS का ये पहला ऐसा स्कूटर होगा जो हाइड्रोजन से चलेगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी जो भी राय हो जरूर बताना। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहना।